महाराज जी आए। अरे भैया काय को रोवे, ये तो दुनिया आनी जानी है, को कल को ना है भाई। हाँ समझाए बुझाए कहना है, वो चुप कराया। चलो बढ़िया, बाबा की बात है मान लेते हैं। एक दिन बाबा के यहाँ एक बकरी को बच्चा हो वो मर गया। बाबा चिल्ला रहे और पटक खाए गए। बाबा पटक खाए रहे रो रो रो। वो आदमी गयो महाराज जी का है गयो, महाराज जी रो रहे बा बकरी के बच्चा क्या चिल्ला रहे। तो आदमी ने कही महाराज जय श्री राम, का बात है तुम बादना हमें उपदेश कर रहे, माँ मोड़ा मर गयो को कल को ना रहे, और आज तुम बकरी के बच्चा के कहने रो रहे हो। महाराज जी कह रहे कुमोड़ा त्यो तई में समझ आ रो का म्यो धो रही हो। हाँ ये तो बकरी को बच्चा तो म्यो मरे हो, हाँ दूसरे को नुकसान हो तई तो समझ आए को बढ़िया है, वो खुद को है जाए तई तई फिर वो दूसरे को समझ, फिर वो समझ कहाँ को जाते हैं जो दूसरे देते हैं वो समझ फिर कहाँ को जाते हैं। विचार करना चाहिए, आज हम दूसरे को समझाए रहे हैं कल हम पे को बात आई तो हमें तो फिर अब जानकार है तो खुद ही समझना चाहिए, नहीं करना चाहिए कोई तो। परंतु दूसरे समझावे के कारण ज्ञान बहुत है, खुद समझवे के कारण कछु ना। इसलिए सबसे निवेदन है भगवान की कथा ध्यान से मन से जो कुछ निकल है उसमें से कुछ लेकर के जाओ कुछ पाकर के जाओ। कथा में आए कुछ लिया नहीं कुछ पाया नहीं कछु माने नहीं कछु चले नहीं, का हुआ कछु नहीं। ताती तो इतने का आदमी मनो थे दस बी का अड़गा देते थे बढ़िया ही दावनी को चमते थे। विचारधाराओं के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। किसी का काम करते हैं किसी का हित करते हैं तो पुण्य प्राप्त होता है कहा जाता है। परहित सरे से धर्म नहीं भाई, परहित सरे से धर्म नहीं भाई, परहित सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। किसी का हित करने के बराबर कोई धर्म नहीं है। बैठे हैं फालतू बैठे हैं, किसी का काम ही कर दो किसी का हित ही कर दो। इसलिए जीवन के बारे में विचार करो, समय का सदुपयोग करो, कुछ प्राप्त करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ब्रह्मा जी ने ऋषियों को आज्ञा दी सृष्टि की रचना करो, तब कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे विवाह के लिए। उन्होंने तपस्या की क्योंकि जो काम तपस्या करके प्राप्त होता है तब वो अच्छा होता है। भगवान की भक्ति की, भगवान आए कर्दम ऋषि के सामने और कर्दम ऋषि अपना सर झुका लिया। भगवान ने कहा हे कर्दम ऋषि मैं आ गया हूं, आप वरदान मांगो। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु मैंने ये तपस्या विवाह के लिए की,
परंतु ये मेरी अज्ञानता है। तपस्या आप जब आए गए तो विवाह एक सांसारिक विषय वासनाओं की मैं इच्छा कर रहा हूं आपसे। परंतु महाराज मुझे आदेश दिया सृष्टि की रचना में, तो मैं विवाह करना चाहता हूं इसलिए मैं तपस्या की, परंतु पत्नी मुझे बुद्धिमान सुशील संस्कारी गुणवान उन्होंने बताया, जैसी पत्नी चाहिए मुझे विद्वान। क्यों कि संसार में तो कोई जानकार है या ना है, कोई मिले या ना मिले, परंतु घर में ही अगर मेरी बराबरी का हो तो हमारा दोनों का सत्संग चलता रहेगा। सत्संग के लिए भगवान ने कहा तो ठीक है, भगवान ने वरदान दिया। भक्त और भगवान बीच में इतना घनिष्ठ प्रेम रहता है बहुत ज्यादा। भगवान की आंखों से आंसू गिरे भक्त की करुणा देख करके, विनम्रता देख करके, जहां आंसू गिरे वहीं आंसू की बूंद गिरी वहीं बिंद सरोवर एक सरोवर हो गया। कर्दम ऋषि के आश्रम के पास भगवान ने कहा, कर्दम मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में आऊंगा। प्रसन्नता से आंसू निकले दोनों और मनु अपनी कन्या को लेकर के आएगा, तुम उससे विवाह कर लेना। भगवान चले गए, मनु महाराज से कहा तो मनु महाराज अपनी देवहूति कन्या को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। कर्दम ऋषि ने स्वागत किया, आसन दिए। कर्दम ऋषि ने तीन आसन डाल दिए। देवहूति ने सोचा कि ये मेरा पति होने वाला है, अगर पति के बिछाए हुए अगर आसन पर बैठती हूं तो पति से सेवा कराना हो जाएगा, पाप लगेगा। अगर मैं इस आसन पर नहीं बैठती हूं तो उसका अपमान होगा कि मैंने उनके दिए हुए आसन का अनादर किया। देवहूति ने आसन पर हाथ रखा और नीचे बैठ गए, आसन को खाली भी नहीं छोड़ा और आसन पर बैठी हुई नहीं। कर्दम ऋषि ने देखा कि लड़की ठीक है, जानकार है, आज तो देखे हुए जाने तो ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कलर कैसो है मोह कैसो है, रंग को देखने के लिए जाएंगे गुण को नहीं। लड़की देखने के लिए गए, नंद गई, नंद ने कहा तुम्हें कुछ काम करना आता है? लड़की ने कहा हाँ। सिलाई मिलाई करना आता है? हाँ आते। सासू ने कहा तुम्हें खाना फरो बनाना आतो है? यूं कह के आतो। लड़का ने कहा क्यों तुम्हें कुछ गाना बजाना आता है? इन्हों कह के आतो है। सगन ने पूछी सब बताए। लड़की ने कही लड़का से क्यों हमें नाचना तो आता है, तुम्हें कुछ बजाना आता है? तुम्हें कछु बजायो आवत है? लड़का ने नो कोई हमें तो कछु बजायो ना आता, तो हम नचेंगे तो वे साजबा जगह तुम्हारा बाप बजायो आवे। सब ने अपन अपन ही पूछ रहे, सब जिकर वो आते हैं जिकर वे आते हैं जिकर वो आते हैं।
और तुम पूछ रहे हमन ते तुम्हें नचवो आतो है तुम्हें जी आतो है। जब तुम्हें बजायो ना आतो ही तो हम नचेंगे तो तुम्हारा बाप बजाए आवेगा। किसी से पूछते है तुम्हें जैसा वैसा अपनी बारी में कोई चिंता नहीं कि हम कैसे हैं। क्या देखना है? गुणों को नहीं देखा जाता है, स्वभाव को नहीं, संस्कार को नहीं देखा जाता, केवल ऊंचाई नीचाई कलर। मैंने कई एक जगह देखा है वो इतनी 2 इंची कमे है, 1 इंची ऊंची है या कमे है, ऐसी है वैसे। गुणों को नहीं देखा जाता, संस्कारों को नहीं देखा जाता। करदम ऋषि ने देखा, ठीक है। मनु ने कहा, हे मुनिवर, हम अपनी कन्या आपको देने के लिए आए। करदम ऋषि ने कहा, मैं आपकी कन्या को स्वीकार तो तब करूंगा, पहले एक वचन देना होगा। बोलो क्या? करदम ऋषि ने कहा कि एक पुत्र हो जाएगा तो मैं छोड़ करके जंगल को चला जाऊंगा तपस्या के लिए, इतने में राजी हैं तो मैं विवाह कर लूंगा। देवहूति ने कहा, मुझे मंजूर है, एक पुत्र हो जाए और तुम भले ही चले जाना। मैं भी ऐसा नहीं चाहती कि जो सदैव विषयों में ही लगा रहे, मैं भी ऐसा नहीं चाहती। मनु ने अपनी कन्या का हाथ करदम ऋषि के हाथों में दिया, सौंप करके वो चले गए। देवहूति करदम ऋषि की सेवा में, और करदम ऋषि वह कुटी में जा करके आराम से समाधि में चले गए, भगवान के गुणगान में चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। समाधि में करदम ऋषि को बहुत समय हो गया। आज के समय में तो विवाह करके पूजा पाठ को सब को छोड़ देते हैं। उन्होंने विवाह करके और पत्नी का कोई ध्यान नहीं किया, समाधि में चले गए। देवहूति सेवा में लगी रही, बहुत समय बाद समाधि भंग हुई। करदम ऋषि ने कहा, हे देवी, आप कौन है? अपनी पत्नी को ही भूल गए। देवहूति ने कहा, महाराज,
तुम्हें याद है कि पहले कभी तुम्हारी शादी हुई? करदम ऋषि ने कहा, हाँ याद है। काहे देवी हमसे भूल हुई, हमने तुम्हारा कोई ख्याल नहीं किया। अब वरदान मांगो, क्या चाहते हो? देवहूति ने कहा, स्वामी आपने विवाह के समय पे कहा था कि हमें एक पुत्र हो जाएगा, फिर हम तुम्हें छोड़कर के चले जाएंगे। आप उस वचन का पालन करें। उन्होंने बिंद सरोवर में स्नान किया, एक विमान की रचना करी, दोनों सुंदर सजवज के बैठ करके उस सरोवर विमान में भ्रमण किया। बिहार करते रहे करते रहे। समय आने पर एक कन्या उत्पन्न हुई। करदम ऋषि ने कहा, हे देवी अब हम जा रहे हैं। देवहूति ने कहा, स्वामी आपने ये कहा कि एक पुत्र हो जाएगा, ये तो कन्या है। ऐसे धीरे धीरे नौ कन्याएं उत्पन्न हुई। नौ कन्याओं के बाद में भगवान स्वयं कपिल के अवतार में आते हैं। उनके यहां एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम कपिल रखा। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहां नौ कन्या, कन्या एक भक्ति का रूप होती है, भक्ति के नौ चरण होते हैं। जहां नवदा भक्ति आ गई वह भगवान को तो आना ही पड़ेगा। करदम ऋषि ने कहा, देवी अब हम जाते हैं। देवहूति ने कहा, प्रभु आप चले जाना, परंतु आप चले जाएंगे ना तो ये कन्या का विवाह मैं कैसे कर पाऊंगा। ये तो कर्तव्य आपका है कि अपनी कन्याओं का विवाह करते जाएं और चले जाएं। अपनी कन्याओं का विवाह करो, तुम्हारा कर्तव्य है। करदम ऋषि ने भगवान से ध्यान किया, हे परमात्मा मैं कहां जाऊंगा, कहां खोजूंगा। ब्रह्मा जी नौ ऋषियों को लेकर के साथ में आए और कहा, करदम तुम्हारी ये नौ कन्या है, हम नौ ऋषियों को लेकर के आए हैं, एक एक कन्या इन्हें दे दो अपनी कन्या को। मरीचयं कलां प्रदाद नसुयामतात्रये श्रद्धा मंग्रसे अच्छत पुलस्यं अवेर विभुः। कला नामक कन्या मरीचि को दे दी, अनसुया अत्री को दे दी, श्रद्धा अंग्रा को, राका अभिर्भु पुलस्त को, योग्य गति पुलह को, क्रिया सती को, यज्ञ को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को, शांति अथर्व को, नौ कन्या नौ ऋषियों को दी। कन्या गई, करदम ऋषि जानते थे कि कपिल पुत्र के रूप में स्वयं भगवान है। परिक्रमा की प्रदक्षिणा की, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, हे परमेश्वर मुझे क्षमा करना, मुझे ज्ञान देना, मेरा मार्ग बताए। उनसे बात करके परिक्रमा दे करके जंगल को चले जाते।
घर में से एक कन्या जाती है ना, उस घर का हाल क्या होता है? घर सोना सोना हो जाता है। जिस समय से घर में नौ कन्या हो, नौ चली जाए, संसार में कन्याओं के बराबर कोई हितैषी नहीं होता। बेटी है तो घर है, बेटी नहीं है तो घर कुछ नहीं। घर की देखभाल, सजावट, झाड़ा, साफ सफाई इतनी बेटी करती है, उतना कोई नहीं करता। बेटी माँ का, पिता का, भाई का, सबका ख्याल रखती है। बेटी थाली के पास खाना खा रही हो, थाली पे से आवाज दे तो उठ जाएगा। बेटे से कहो ना बेटा रहेगा, कोई काम का नहीं। पुत्र पिता की आत्मा होता है और बेटी पिता दिल का टुकड़ा होता है। मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, बेटिया तू पराई है। Thank you.
ससुराल के लिए जो जाती है तो वापस मुड़ मुड़ करके देख के जाती है और कहती है, माँ अपना ख्याल रखना, पिताजी से कहती है अपना ख्याल रखना, पुत्र कभी नहीं देखता, कभी नहीं सोचता। माता पिता क्या होते हैं, बेटी क्या होते हैं, ये दिल जानता है। जिस घर से नौ बेटी विदा हुई, देवभूति एकदम उनके जीवन में कुछ नहीं रहा। कपिल तो स्वयं भगवान थे, मौन धारण। देवभूति आई और कहा, हे पुत्र, उन्होंने आकर के परिक्रमा की, सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। कहा, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पुत्र के रूप में स्वयं नारायण हो। हे नारायण, अब मैं क्या करूं, मेरा मन संसार में खिन्न हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे दिल में चैन नहीं। ये इंद्रियां सबको अपनी अपन अपनी ओर को खींचती हैं, मैं क्या करूं। कपिल देव ने कहा, मां भगवान का भजन करो, भगवान का गुणगान करो। देवूति ने कहा, मेरा मन नहीं लग रहा। कोई भी आदमी संसार में घर गृहस्थी में परिवार में रहे, फिर वो अकेला एकदम से हो जाए तो मन को समझ आना मुश्किल हो जाता। कपिल देव भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना करी, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, माता को समझाया, माता परमात्मा में ध्यान लगाओ, प्राणायाम विधि बताई, रेचक पूरक कुंभक बताओ। संसार में कुछ नहीं है, संसार से मुख मोड़ लो, अंत में कोई किसी का नहीं, कोई कहेगा। ये संसार है, मोह से नरक होता है, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। एक माता ने अपने बच्चों को लिखा पढ़ाया, मेहनत की, बच्चे पढ़ करके को मिनिस्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, विदेश चले गए, एक छोटा सा रह गया। उसने कहा, मां मैं पढ़ना नहीं चाहता। मां ने कहा, क्यों बेटा? उसने कहा, तूने तीनों को पढ़ा दिया और वे छोड़ करके विदेश चले गए, अगर मैं भी पढ़ गया तो मैं भी चला जाऊंगा, फिर तेरा क्या होगा, तेरा कौन है? उसने नहीं, उतना ही पढ़ा, अपना घर का काम किया। मैया गई, हार में किसानों का काम होता,
लकड़ी का गट्ठा बांधा लेकर के आ रहे। उनका बड़ा बेटा मृष्ट था, वो आया गाड़ी में। उसकी पत्नी ने कहा, देखो तुम्हारी माताजी अब भी बोझ ढो रहे। उसने कहा, मां? मां ने कहा, हाँ बेटा तू चल, मैं आता। चले गए गाड़ी में बैठ कर। ऐसे ही ऐसे सब आए, सब चले गए। पीछे से जो किसान था वो बैलों को लेकर के आया और देखा मां। उसने अपनी माँ के सिर से लकड़ियों का गट्ठा उठाया, अपने सिर पर रखा और कहा, माँ अब तू बूढ़ी हो गई है, मैं हूं ना काम के लिए, चल। हाथ पकड़ के इशारा दे करके ले गया। पढ़ा लिखा करके क्या हुआ, माता को देख करके चले गए। माँ को सहारा नहीं दिया, दिया तो वो तो कुपड़ था। संस्कार और शिक्षा पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं रखता, अपने ऊपर संभव है, अपने ऊपर आधारित है, अपन को कैसा बनना है, क्या करना है। माता को ज्ञान दिया, अष्टांग योग, भक्ति योग सब दिया। माता को संतुष्ट किया, माता जंगल में गई, भगवान का भजन किया, अपने परम गति को प्राप्त हुई। कपिल भगवान चले गए सागर के किनारे, इसे आज गंगा सागर कहते हैं, कपिल मुनि का आश्रम है। वहां जाकर के वह तपस्या करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन मैत्रोवाचय सनकाद्यम नारदस्यम रेवरभो सोरणायते नैते ग्रहाम ब्रह्म सुताय हाव्यासन मोर्दरे तस। मनु ने प्रसूति कन्या को दक्ष को दिया। दक्ष के यहाँ सती का जन्म होता है। दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ से बैर करता है। सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से होता है और आकृति को रुचि प्रजापति को दिया। स्वयं यज्ञ भगवान का अवतार होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन मनु महाराज की जो जितनी संतान है वह बड़े भक्त भगवान की शक्तियां वहां अवतरित हुई है। तीनों कन्याओं का वंश वर्णन, पुत्रों का वंश वर्णन आपको सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जाये उक्तान पादस्यं सुनोते सुरोस्तस्यो यः सुरुचि प्रेयसी पत्नेरत्रया यत सुतो धुर्वः। मनु महाराज का जो उक्तान पाद पुत्र था, उनकी दो पत्नी थी, उनका नाम सुरुचि और सुनीति। और संसार में सबकी दो पत्नी होती है, सुरुचि और सुनीति। एक तो अपनी पत्नी है, अपनी रुचि अपनी इच्छा, और एक है अच्छी नीति। लेकिन मनुष्य नीति से प्रेम नहीं करता, अपनी इच्छा से प्रेम करता है। जिसमें हमारी रुचि है उसी का नाम सुरुचि है, और जो अच्छी नीति है उसे कहते हैं सुनीति।
संसार में मनुष्य नीति से प्रेम नहीं करता, अपनी रुचि से प्रेम करता है। इसी प्रकार उक्तान पद, जिसका समाज में ऊंचा पद हो उसे उक्तान पद कहते हैं। एक जीव जन्म लेता है तब पहले सिर के भर आता है, नीचे को सिर ऊपर को पैर, इसीलिए उसको उक्तान पद कहते हैं। और जीव की दो पत्नियां हैं। इसी प्रकार उक्तान पद की सुनीति और सुरुचि है, और सुरुचि के यहां पुत्र उत्पन्न होता है तो उसका नाम क्या? उत्तम। उधनतम बराबर अंधकार, अज्ञान। और सुनीति के यहां पुत्र पैदा होता है तो ध्रुव, अटल, स्थिर, सत्य। ध्रुव, अच्छा, एक दिन एकदान सुरचे पुत्र मंगमारोपी लालयन उत्तमं नारुरुचन्तं ध्रुवं राजय विनन्दत। एक दिन वह राजा सुरुचि के पुत्र को गोद में बिठा करके खिला रहा था। उसी समय कहीं से गिरते गिरते ध्रुव आए। ध्रुव को देख करके वो पिता की गोद में बैठना चाहते थे, परंतु सुरुचि ने उसे बैठने नहीं दिया, उठा करके गोदी में से फेंक दिया और पिता ने भी नहीं लिया। पिता ने उसको लिया नहीं, देखता रहा। वो स्त्री के बस ऐसा हो गया सुरुचि कि जैसा सुरुचि करती थी, बस सुरुचि के हाथ की कठपुतली बन करके उत्तम उत्तान पद रह गया। ध्रुव को बुरा भला कहा सुरुचि ने और कहा, हे पुत्र, तुम राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है, जाओ यहां से। तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरी सौत के पुत्र हो और एक दासी के पुत्र हो। महाराज उसमें कोई रुचि नहीं रखते, महाराज मुझसे प्रेम करते हैं। मेरा ही पुत्र इस राजा की गोद में बैठेगा, राज सिंहासन पर बैठेगा। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना राज गद्दी पर बैठने के लिए, पिता की गोद में बैठने के लिए, तो जाओ भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना। कहे परमात्मा, मुझे सुरुचि के गर्भ में जन्म दे, और जब तू मेरे गर्भ में से मेरा पुत्र बनेगा, मेरे यहां जन्म लेगा, तब तू इस योग्य होगा। बालक बालक का दिल तोड़ दिया। बालक से सगता हुआ, अपनी माता के पास आता है। पानी ऐसी बोलना चाहिए जो किसी को बुरा नहीं लगे। सुरुचि ने ध्रुव के हृदय को ऐसा भेद डाला, ऐसा बाण दिया, वाणी का ऐसा बाण दिया, गर्भ का हृदय छलनी छलनी कर दिया। तभी तो कहा गया है, समझ मन मीठा बोले। हे मन समझ, समझ मन मीठा बोले,
पानी का बाण बुरा है। समझ मन में ना हो पानी का बाण बुरा है। समझ मन में ना हो पानी का बाण बुरा है। Thank you.
तेरी माता ने सत्य कहा है, मैं एक अभागन हूं, परंतु मुझे दुख इस बात का है, महाराज मुझसे प्रेम न करें तो कोई बात नहीं है, कम से कम अपने पुत्र से तो प्रेम करते। और कहा हे बेटा, सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है। संसार में अगर मेरा तेरा दुख दूर करने वाले हैं तो केवल परमात्मा है। धर्म ने कहा, मां छोटी माता भी कह रही थी कि जा भगवान का भजन कर। भगवान कौन है मां, कैसा है, क्या वो हमारा दुख दूर कर सकते? सुनीति ने कहा, पुत्र हां, संसार में वे राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा, वही हम तुम सबका दुख दूर कर सकते हैं। पुत्र मंदिर में ले गई और कहा, पुत्र ये हमारे नारायण है, ये भगवान है। द्रव ने कहा, मां मैं भगवान से मिलने के लिए जाऊंगा। मां ने कहा, हां पुत्र जाओ, जरूर जाओ, परमात्मा की सेवा में जाओ, भगवान से मिलो, क्योंकि मैं तब ही संसार में जननी पुत्रवती तब ही मानी जाती है। कहा गया है, हे पुत्रवती युवा ते जग सोई, संसार में वो ही पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है तो वो माता पुत्रवती नहीं है। नतर बाज भले बाजे बयारी, नतर बाज भले बाजे
जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है तो कहा जाता है कि जननी जने तो भक्त जने कहता ताके सूर नाय तो जननी बांझ गए काई गमावे नूर। दुष्ट को पापी को पैदा करने से फायदा का है वो अपन नहीं परेशान करे दुनिया को परेशान करे बाको पाप अपन नहीं मिलेगा। अपना पुत्र पाप करता है किसी को परेशान करता है तो धिक्कार देता है कि धिक्कारे तेरे माता पिताओं को जैसा बालक पैदा किया उसके भागी माता पिता भी होंगे। इसलिए सुनीति ने कहा पुत्र जाओ हे परमात्मा मेरे दिल का टुकड़ा मैं आपको सौंप रही हूँ प्रभु सौंप रही हूँ मैं। वैसे तो हमारा संसार में कोई नहीं है मेरे अपने दिल के टुकड़े को मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। पुत्र जा भगवान की सेवा में जा भगवान की भक्ति में जा। आज संसार में भगवान की भक्ति के लिए कोई माँ नहीं भेजती है। हाँ सिनेमा हॉल को भेज देंगे आज पर तो दुबक के नहीं ठेका को पैसा दे देंगे ले ले जा बाप दे दुबक के जइयो जा। बुरे कामों को पैसा दे देंगे भेज देंगे पर अच्छे कामों को नहीं यही दुर्भाग्य। अरे भक्त अपने पुत्र को भक्त बनाओगे संस्कारी बनाओगे तो वो संसार को सुख देगा और अपन को भी सुख देगा। जब अपने आता ताई बना देंगे को संस्कारी बना देंगे तो ना अपन ने सुख मिलेगा ना दूसरों को सुख मिलेगा। सुनीति ने अपने पुत्र को भगवान की शरण में भेज दिया। ध्रुव अपने बालकों को मिल करके प्रणाम करके सबसे विदा लेकर के जंगल में चला गया भगवान की भक्ति के लिए। माता ने उसे अकेला भेज दिया छोटा सा बालक जंगल में चला गया। जो भगवान के भरोसे रहता है जो भगवान को समर्पण हो जाता है उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहा गया है सीमा के चाप सके को तासो सकता है उसका स्वयं भगवान ही रक्षक हो। दुर्लभ नाना प्रकार की परिस्थितियों से लड़ते हुए माता के ज्ञान का उस पर लाभ हुआ। भगवान के भरोसे दृढ़ विश्वास लेकर के कि मुझे संसार से अब कोई लेना देना नहीं है जंगल में जाते हैं। देवर्षि नारद आते हैं उन्हें मंत्र देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कहा हे पुत्र तुम मधुवन में जाकर के भगवान का भजन करो। मथुरा के किनारे यमुना के किनारे मधुवन नाम का वन है। तप्तातम गच्छत भद्रम ते यमुनास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरि। मधुवन में जाकर के भगवान का भजन किया। अनेकों परिस्थितियां आई देवताओं ने परीक्षा ली सभी परीक्षाओं से पास हुए। छोटे से बालक ने
रेचक पूर्वक कुंभक प्राणायाम करें, एक दिन में भोजन करना, फिर तीन दिन में भोजन करना, फिर छह दिन में भोजन करना, फिर फल खा करके रहना, फिर पत्ते खा करके रहना। नारद जी से कहा, गुरुदेव अभी भगवान नहीं आए। नारद जी ने कहा, तू भगवान को जल्दी चाहता है ना, तो अपनी श्वास को रोक ले। द्रव ने अपनी श्वास को बंद करके और भगवान का गुणगान कर लिया। जब श्वास बंद होने से संसार की गति रुकी और संसार घबराने लगा, देवता घबराने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, उधर द्रव निकल गया। मनु आए उत्तानपाद से कहा, उत्तानपाद तूने अपनी पत्नी की कठपुतली बनकर के रह गया। मैंने सोचा था कि मेरा पुत्र राज्य चलाएगा, मैं उस राज्य की बागडोर तेरे हाथ में सौंप करके गया और तूने उस राज्य की बागडोर सुरसी के हाथ में सौंप दी। उत्तान पार कहने लगे, पिताजी मैंने कोई गलती नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, मैं राज्य को सही तरीके से चला रहा हूं। कहा गया है, जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, 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 सोनकयाम से जासु राज प्रिय प्रजा दुकारी, सुनरप नरक अवश्य अधिकारी। जिस राजा की प्रजा राजा से संतुष्ट नहीं है वो राजा नरकगामी होता है। उत्तान पार कहने लगे, पिताजी मेरी प्रजा संतुष्ट है। मनु ने कहा, उत्तान पाद क्या सुनुती तेरी प्रजा नहीं है, क्या द्रव तेरा पुत्र तेरी प्रजा नहीं है, तेरी आंखों के सामने ही सुरुचि ने द्रव को क्या कहा, धिकार तेरे जीवन को, अपने पुत्र का अपमान देखता हुआ ना तेरा कलेजा नहीं फटा। उत्तान पाद ने कहा, पिताजी मुझसे भूल हो गई, भूल सुधार चाहते हैं। मनु ने कहा, अगर पुत्र तुझे पता है मेरा पुत्र ध्रुव मैंने छोड़ करके जंगल को निकल गया, जंगल में दर्दर की ठोकरें खा रहा, अगर कुछ हो गया ना तो मैं तुझे शराब दे दूंगा। उत्तान पाद के दिमाग में आया कि मुझसे भूल हुई, गलती हुई। सुनीति के पास आए, सुनीति से कहने लगे, मुझसे गलती हो गई, ना जाने मेरा पुत्र कहाँ होगा, मैंने अपने पुत्र के साथ में कितना अन्याय किया। रोने लगे, नारद जी आए, नारद जी ने कहा, चिंता मत करो वो ठीक है। उधर सभी देवता घबराए, नैवं विरामो भगवन् प्राण रोदः चराचरस्याखिल सत्त्वाधामन विदेहि तन्नो व्रजनाथुजमोचम प्रातः वयं त्वा शरणं शरण्यमः। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ये देवताओं की पुकार को सुनकर के द्रव के पास आए, द्रव नेत्र बंद किए भगवान का गुणगान कर रहा था। भगवान ने द्रव को आवाज दी, पुत्र उठो मैं आ गया। सवेध्या योग विपागति प्रया
रात पद्म कोशेश व्रतम धड़ता प्रभम तिरोहितम। गोद में लेकर के उससे लाड़ प्यार किया। तुम जे चाहते ना पुत्र, तुम पिता की गोद में बैठना चाहते ना, लो आज आप मेरी गोद में बैठे। ब्रह्म ने प्रसन्न किए, हे प्रभु आपकी दुनिया में आपकी सृष्टि में ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। भगवान ने अपना शंख लेकर के उनके मस्तक से छुआ दिया, उन्हें इतना ज्ञान हो गया। ध्रुव कहने लगे कि प्रभु अब मुझे सब कुछ मालूम हो गया, अब आप से मैं कुछ नहीं पूछूंगा। ध्रुव को लेकर भगवान लक्ष्मी नारायण नारद जी विमान बैठा करके नगर को लाए, बगीचे में भगवान ने छोड़ दिया, वहां से चले गए। ध्रुव बगीचे में आया, मंत्रियों ने कहा महाराज ध्रुव आ गया है। उत्तानपाद सोचता था कि ध्रुव अब कहां रहा होगा, ना जाने क्या हुआ हो। जबरदस्ती से बिना विश्वास के ले गए, गए अगवानी करके करने के लिए गए। ध्रुव को देखा और उत्तानपाद ने बहुत खुशी मनाई, देखा गोद में लिया, हाथी में बैठा करके मेल में लेकर के आए।